महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है, और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूं। ये तो है ही, जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही, लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूं। मैं वो बात कर रही हूं कि जब घर में इतनी बारिश हो रही है, आजकल छत से कुछ पानी गिर रहा है, आपको मरम्मत करवानी है, वो मरम्मत महंगी हो गई है। आपको किसी के घर जाना है, कुछ ले जाना है उनके लिए, वो खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया है। इतनी बारिश में जो बच्चे स्कूल पाठशाला तक जा रहे हैं, उनके लिए छाता खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है ये महंगाई। तो ये सिर्फ टमाटर के भाव की बात नहीं है, ये बात आपके जीवन की है कि किस तरह आप गुजारा कर पा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। मेरी बहनें यहां बैठी हैं, सबसे बड़ा बोझ इन पर है, समाज का बोझ, महंगाई का बोझ मेरी बहनें उठाती हैं सबसे ज्यादा। आज रसोई के लिए सामान खरीदना है, तेल खरीदनी है, वो भी नहीं मिलती। गैस का सिलेंडर मिलता तो था, उसमें गैस भरना ही मुश्किल हो गया है। आज आपको खरीदने जाना है तो 1000 रुपए से कम नहीं मिल रहा। बच्चों की परवरिश कैसे होगी, सुबह उठ के आप अगले दिन का सामना कैसे करते हैं। कोई बीमार पड़ जाता है तो घबराहट उनकी भी होती है और इस बात की भी होती है कि मैं दवाई कहां से खरीद के लाऊं। घर पे बीमार पड़ा है लेकिन दुकान जाकर इतनी महंगाई है कि दवाई ही नहीं मिलेगी, मैं क्या करूं। आज ये है आपकी परिस्थितियां। तो इस बीच मुझे उचित नहीं लगता कि यहां आकर मैं फिजूल की बातें करूं, मैं दूसरों की बार बार आलोचना करती रहूं। मुझे ये उचित लगता है कि हर चुनाव में, हर प्रदेश में, हर गांव में, हर मोहल्ले में जब कोई नेता जाता है तो उसे जनता के मुद्दों पर बात करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये महंगाई क्यों है, कि महंगाई के साथ साथ इतनी बेरोजगारी क्यों है, कि एक ऐसी सरकार क्यों है आज हमारे देश में जिसने पूरी की पूरी देश की संपत्ति एक या दो बड़े बड़े बिजनेस वालों को बेच दी। जहां से आपको रोजगार मिलता था, उन कंपनियों को जब इन्होंने अपने मित्रों को सौंपा तो उनको मालूम होगा कि आप बेरोजगार होंगे। आपको रोजगार कहां से मिलता था, पीएसयू से मिलता था, बड़ी बड़ी जो सरकारी कंपनी थी उनसे मिलता था। आपको रोजगार खेती की कमाई से मिलता था, आपको रोजगार सेना से मिलता था, आपको रोजगार छोटे छोटे व्यापार से मिलता था। आज परिस्थितियां क्या हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो सारी सौंप दी इन्होंने अपने दोस्तों को। सेना की भर्ती का क्या किया अग्निवीर का आप जानते हैं। आपका ये जो क्षेत्र है ग्वालियर का क्षेत्र, रानी लक्ष्मीबाई जी का क्षेत्र है, यहां से तमाम वीर जवान जाकर हमारे सरहद पे खड़े होते हैं। आप जानते हैं सबसे अच्छी तरह कि जब से अग्निवीर की स्कीम आई और 4 साल की सेना में भर्ती कराई गई, तब से क्या स्थिति है। मैं कुछ हरियाणा के नौजवानों से मिली, उन्होंने मुझे बताया कि ट्रेनिंग से ही लोग वापस जा रहे हैं घर। तो कहते हैं कि हम इतनी ट्रेनिंग, इतनी कड़ी ट्रेनिंग कर किस लिए रहे हैं। हम इतनी कड़ी ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं कि 4 साल बाद हम बेरोजगार होके वापस आ जाएं, और जब घर आएंगे तो सरकार ने ये परिस्थितियां बना दी हैं कि घर पे भी किसानी से चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, इतनी महंगाई है, इतनी मुश्किलें हैं कि किसानी से भी नहीं कमा पाएंगे, तो घर आकर क्या करेंगे।
वहाँ भर्ती के लिए तमाम नौजवान पढ़ाई करते हैं, माँ बाप मेहनत की कमाई से उनके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, कोई 10,000 के ट्यूशन, कोई 20,000 के ट्यूशन करता है, और फिर देखिए पटवारी के इम्तिहान में किस तरह से घोटाला हो गया।